अस्सलाम वालेकुम, डॉली की किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन की नहारी। तो ये है हमारी नली निहारी बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा ये देखिए, ये है नली यानी बोंग की है गोश्त। तो ये हमारी आज बनेगी नली निहारी। तो इसमें मैं बता दूं आपको क्या क्या पड़ेगा। ये है हमारा नहारी का मसाला, ये हमने लिया है ये पैकेट, क्योंकि ये एक किलो होता है गोश्त तो एक पैकेट पूरा पड़ता है। तो इसलिए हमने कम से कम 2 किलो हमारा गोश्त है नली वाला, तो इसीलिए हमने ये 1.5 पैकेट लिया है। तो ये हमारा मसाला है नहारी का। ये हमारा 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये दही है हमारा 1/4 कप। ये तेल और ये 3 प्याज हैं बड़े, और ये अदरक है, ये हरी मिर्च है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने जला दी है नहारी हो या पाए हो तो उसमें तेल ज्यादा ही पड़ता है। अगर आपको कम लगे तेल तो और डाल। ये हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसी देर में हम अपनी प्याज काट लेते हैं। वो बारीक प्याज चाहिए हमें। देखिए कितनी अच्छी प्याज हो चुकी है हमारी, एकदम बारीक चाहिए हमें प्याज। जब भी कभी आप सरसों का तेल गर्म करें तो उसमें नमक जरूर डालें, ताकि हमारा तेल का कच्चापन निकल जाता है। देखिए हमारी प्याज, देखिए हमारे प्याज अच्छा से कलर आ गया है प्याज में, अपनी निकाल देते हैं इसको। आपको जितना अच्छा प्याज का कलर आएगा तो उतनी अच्छा सलाद मिलता है। हमारी प्याज जल जाती है तो फिर हमारी नहारी काली। और लहसुन अदरक डाल के हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए हमारा नहारी मसाला है। तो इसमें आप पानी मिला के जब तक हमारा गोश्त को अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो इतनी देर में ही हमारा मसाला फूल जाएगा पानी से। अच्छी तरह मिला लीजिए। ये देखिए हमने इसमें पानी मिला दिया, ये हमारा मसाला फूल जाएगा इतनी। ये देखिए हमारा बहुत अच्छी तरह से फूल फूल चुका है। देखिए अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हम अपना मसाला डालेंगे। तो हमने मसाला फ्रेट पानी मिला के रखा था, निहारी मसाला देखिए अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे। देखिए हमारा मसाला खूब अच्छी तरह भून रहा है। तो इसे 2 मिनट भूनेंगे फिर दही डालेंगे इसमें। तो जितना अच्छा हम फ्राई करेंगे उतनी अच्छी हमारी नहारी तैयार होगी। अब देखिए इसमें हम नमक डालेंगे। देखिए हमारे 2-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे दही। दही हमें धीमी आंच करके डालिएगा। प्याज को अच्छी तरह क्रश कर लेंगे।
ये प्याज इसमें डाल दें। देखिए हम इसमें पानी इतना ही डालेंगे जिससे हमारा गोश्त गल जाए। दो सीटी लेंगे पहले, फिर हम थोड़ी धीमी आंच कर देंगे इसकी, फिर धीमी आंच पे कम से कम 10 से 15 मिनट पकने देंगे इसे। देखिए हमारा बारीक बारीक अदरक काटेंगे, देखिए बारीक बारीक मिर्चे, ये हमारा बेसन है तो इसे थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए अपनी गैस हम जला देते, थोड़ा कम कर देंगे। इसे हमें जलाना नहीं है तो इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ी धीमी आंच पे इसे भूनेंगे ताकि इसमें लगने की खुशबू ना जाए। दस से पंद्रह मिनट हो गए हमारी नहारी को फूट के गला बोलता है। ये देखिए जैसे हमें चाहिए था हमारा गोश्त गल चुका है, अब इसमें से हम रोगन उतारेंगे। ये देखिए इसमें से थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हमें थोड़ी नहारी डालेंगे तो क्या हमारी नहारी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी हमें। थोड़ा धीमी आंच पे बनाएंगे। इसे अच्छी तरह फेटी, इसमें कोई लम्स ना रहा है। इसे तीन मिनट हो गए हमारी नहारी को पकते पकते, तो इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, जितना हमें गाढ़ा चाहिए उतने हिसाब से अपने खा लेंगे। मैं थोड़ा और डालूंगी इसमें। बस हमें ऐसे चाहिए, हमें 6 से 7 मिनट ऐसे बनाना है, ऐसे धीमी आंच पे पकाना है। ये देखिए हमारी नहारी तैयार है, बनके तैयार हुई है। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितनी शानदार हमारी नहारी बनके तैयार हो गई। ये है हमारी नली नहारी, वाव। अगर आपको मेरी घर की बना मसाले की नहारी भी चाहिए तो मैं जरूर डालूंगी। मसाले की नहारी डालेंगे इंशाल्लाह। देखिए थोड़ा सा इसमें करी डालेंगे। थोड़ी अदरक डालेंगे, गार्निश के लिए हरी मिर्ची डालेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी नहारी पसंद आई होगी, तो आप मुझे अपनी दुआ में शामिल करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बड़ी बड़ी डालती रहूँगी।